धमाकेदार दही का पुडिंग मलाईदार है, केवल 3 सामग्री का ज़रूरत है और 20 मिनट में तैयार हो जाता है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भापा दोई की रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें हंग योगर्ट की ज़रूरत है, मतलब दही से पानी निकल लेना है। इसलिए साधारण दही को चलनी पर साफ सुथरे कपड़े में बांधकर 2 घंटे के लिए रख दें। जब इसका पानी पूरी तरीके से निकल जाएगा तब इसे एक कटोरे में डालें। दही के साथ कंडेंस मिल्क, दूध और इलायची के पाउडर के एक चुटकी जोड़ें। इसे तब तक अच्छे से मिलाएं जब तक चिकना ना हो जाए और मिश्रण में कोई गांठ ना रह जाए। अब स्टील के कटोरे को घी लगाकर चिकना कर ले। कटोरे में कुछ पिस्ता और केसर डालें। नट्स जोड़ना कंपलसरी नहीं है, आपके पास नहीं है तो मत डालिए। केसर डालने के लिए इसमें बहुत अच्छा नारंगी रंग आ जाएगा। अब तैयार मिश्रण को 2 कटोरे में समान रूप में डालें। अब स्टीमर तैयार करें। गहरे कढ़ाई में निम्न स्तर का पानी डालें। एक स्टैंड रखें और उस पर एक प्लेट सेट करें। पैन को कवर करें और इसे 2 मिनट के लिए गर्म होने दें। स्टीमर गर्म होने के बाद कटोरे रखें। फ्लेम को एकदम कम रखें और 20 मिनट के लिए भाप में छोड़ दें। 20 मिनट के बाद ये अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। तो 5 से 10 मिनट के लिए पैन में दही को ठंडा होने दें। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा निकालने में आसानी होगी। अब देखिए ये भापा दोई तैयार हो गया है। भापा दोई तैयार हो गया कि नहीं ये देखने के लिए उंगलियों से इसका ऊपर टच करें। अगर इसमें कोई लिक्विड स्टफ नहीं रहे मतलब ये तैयार हो चुका है। अभी एक प्लेट में डिमोल्ड कर ले, फिर 30 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख ले, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाता है खाने में बहुत मज़ा आता है। अंत में आप चाहे तो अधिक नट्स के साथ गार्निश कर सकते हैं। अब भापा दही का आनंद ले। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।